जब से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के तलाक की खबर सामने आई है, तब से पूरे देश में यही चर्चा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लालू यादव अब तक चुप क्यों हैं? आखिर तेज प्रताप का परिवार उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहा है, क्यों तेज प्रताप के घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अब इन सबके बीच जब तेज प्रताप मीडिया के सामने आए तो उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि वे काफी परेशान हैं और उनका दम घुट रहा है। अब खबर आ रही है कि तेज प्रताप कहीं गायब हो गए हैं, लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच तेज प्रताप एक बार फिर से सामने आए और उन्होंने कहा कि वो कहीं गायब नहीं हुए हैं, बल्कि वाराणसी में हैं और बाबा विश्वनाथ की पूजा करने काशी आए हैं। उन्हें गायब न समझा जाए, समय आएगा तो वापस चला जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि जल्द ही मेरे और ऐश्वर्या के बीच बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तेज पहले अपने पिता से मिलने रांची गए और फिर उनसे मिलने के बाद वे गया पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और वहीं उनके इस कदम से पूरे परिवार के साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई थी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अपने पिता लालू यादव से मिलने के बाद तेज प्रताप अपना फैसला बदल सकते हैं। खैर आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से तेज और ऐश्वर्या के तलाक की खबरें सामने आई हैं, पूरे देश में बस इसी पर चर्चा हो रही है। बीडी फिल्म्स की रिपोर्ट।